बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं का पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बता दें कि पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बीते बुधवार 18 सीटों के नामों की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक इसके पहले 11 जून को 32 सीटों की सूची जारी की गई थी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार की NDA सरकार को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि हम अन्य पार्टियों के साथ मिलकर इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बीते मंगलवार को जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की उनमें कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाह, पीरो और मनिहारी की सीट शामिल है। बताया गया कि AIMIM गैर NDA दलों से गठबंधन कर अन्य सीटों के लिए तीसरी सूची भी जारी करेगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में कमरुल हुदा AIMIM के एकमात्र विधायक हैं, जिन्होंने पिछले साल किशनगंज सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी।